अगेन फ्रॉम कोलकाता। जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक डिजाइन है, ब्लाउज का डिजाइन। ये मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा, जैसे किस तरीके से इसे हम इसका ड्राफ्टिंग कटिंग करूंगा, किसका पैटर्न करूंगा, और साथ ही साथ इसका जो स्टिचिंग जो मेथड है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जैसे कि ये जो डिजाइन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर मैं खूब आसानी से आप लोगों को सिखा दूंगा ये डिजाइन। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो ये सब में जो ब्लाउज डिजाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और उसे कॉन्वर्ट करके जो लोग कमीज और कुर्ती के लिए डिजाइन नेट में ढूंढ रहे हैं, तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया है किस तरीके से डिजाइन तैयार कर सकते हैं आप खुद ही, तो वो नॉलेज को लेकर फ्रेंड ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो थोड़ा सा चेंजिंग करके आपका दिमाग में कॉन्वर्ट करके होना चाहिए। ये हम कमीज करें तो ये डिजाइन से लेकर हम कमीज में कैसे डालें, तो ये आपको थोड़ा सा आपको चिंता करना पड़ेगा। तो जो मैं सिखा रहा हूँ फ्रेंड वो कमीज में भी आप लोग कर सकते हो, एज इट इज कॉपी भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। तो इसी तरह मैं डिजाइन दिखाता हूँ, और एक डिजाइन दिखाता हूँ आप लोग हजारों कर पाएंगे डिजाइन में, तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ फ्रेंड। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, और उससे पहले मैं बता दूँ जो लोग अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो नीचे जो रेड बटन है वो सब्सक्राइब नाउ लिखा हुआ है वो जगह में, और ऊपर में जो लिखा है और नीचे इस साइड में भी जो लिखा है वो जगह क्लिक करके आप हमारा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग घर में बैठकर हमारा वीडियो हर रोज देखते हैं, तो उन लोगों को मैं दिल से फिर से थैंक्स कर रहा हूँ। आप इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज का बेसिक बैक पार्ट है, तो उसी से लेकर हम इसे बनाएंगे। जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक बेसिक होना ज़रूरी है, तो ये बेसिक पार्ट है इसमें। और उसके बाद ठीक है, तो इसी तरह आप जो स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, जैसे कि बेसिक इसका पार्ट जो है वो इस टाइप में है, राउंड शेप वाला है, और उसे हम क्या करेंगे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे इसे। चलिए हम इसे स्ट्रेट कट कर दें, और जो डेप थोड़ा सा डीप दे दें हम इसी तरह। पहले आपको इसे कटिंग करना है, और जो डिजाइन का जो मैं पैटर्न दिखाता हूँ फ्रेंड, अगर आप ये डिजाइन आप कमीज में भी करें तो ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद इस डिजाइन का कुछ कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि एक आपको इसी तरह एक पार्ट लेना है, जो पार्ट इधर में उधर में रहेगा, और जो नीचे का जो शेप है वो आपको इसे ऐसे रखेंगे हम थोड़ा सा। और इस जगह में फ्रेंड, जैसे कि मैंने हमेशा बोलता हूँ, इस टाइप का डिजाइन अगर ना कटिंग किया जा सकता है आप करिए, थोड़ा सा ऊपर का सीम्स और नीचे का सीम्स रखिए, जैसे कि इस जगह को स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, इस जगह को थोड़ा सा इस जगह में डिजाइन है, तो उसके लिए आप अगर ना कटिंग करें तो ठीक ठाक है, इसलिए मैंने ऊपर का मार्जिन और नीचे का मार्जिन छोड़ के इस जगह को हम कटिंग करेंगे।
ठीक है, ऊपर का नीचे का थोड़ा सा कटिंग करेंगे, ऐसे हम करेंगे इसे ऐसे, ठीक है। और ये देखिए, ये हमारा कटिंग हो गया। और उसके बाद जो कुछ करना है वो है फैन, जैसे कि इसी तरह हमें कपड़ा लेना है और पैच वर्क जिसे कहते हैं हम, उसी तरह हम पैच तैयार करेंगे पहले। आप लिए आपको मेजरमेंट देखना पड़ेगा कितना दूर ये जाएगा, ये तो उसी हिसाब से हम अगर ले तो ये पार्ट इधर करे तो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है। और स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड, जो जिस जगह में ये पार्ट दिया है तो उसी हिसाब से ये बहुत इस गैपिंग में ज्यादा दिया है हमने, ठीक है। जैसे कि इसी तरह गैपिंग आया है उसी हिसाब से इसे किया है, इसलिए फ्रेंड इस जगह को हम और बढ़ा देंगे इस जगह को, ठीक है। मैंने यानी कि ये हम बहुत जो ये छोटा सा डेप्थ है इसे हम बड़ा डेप्थ कर दें, हम पहले हम इसे बड़ा कर दें। अगर चाहे आप लोग इसे छोटा करें तो कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो, मगर ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ। इस डेप्थ को मैंने इतना सा कर रहा हूँ, चलिए हम और बढ़ा देते हैं इस डेप्थ को। ये देखिए इतना बड़ा मैंने कर दिया है इसे, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए, और उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये जब ऐसा जाएगा और इधर से जब इसे घूमेगा तो ये इतना आएगा, ऐसा हम इधर से रखेंगे और इस पार्ट को हम मिडिल से रखेंगे, थोड़ा सा कम करके इसे हम इतना दूर हम दे ही सकते हैं इसे, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद कितना मेजरमेंट है चलिए हम टेप से दिखा दें, इसमें 4 है और इसमें 3.5 से 2, तो चलिए हम 3.5 से इसे हम ऐसे थोड़ा सा इसमें कटिंग कर दीजिए अभी को, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया है अब। और उसके बाद जैसे कि और एक बात आपको करना है, इसे थोड़ा सा आप और भी छोटा कर देना पड़ेगा आपको, वो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा इतना सा ये मैंने कर दिया है, तो फिर क्यों इसका मेजरमेंट मैं कर रहा हूँ इतना देर से, तो ये देखिए कुछ बात मैं आप लोगों को बता दूँ। जैसे कि ये जब हम ऐसे रखेंगे स्टिच करेंगे, हम इधर पार्ट लगाएंगे तब ये पार्ट चला जाएगा इतना दूर, और इधर जो हम बीट लगाएंगे उसके लिए ये अंदर चला जाएगा, और उसके बाद इसके ऊपर हम इसे ओवरलैप करेंगे और ये जैसे कि बाहर ना जाए, इसलिए मैंने इसे छोड़ा इसलिए। और इधर एक रहेगा और इसके अंदर भी एक हम अलग से टेक्निक करेंगे वो मैं दिखाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर आप थोड़ा सा शॉर्ट दिख रहा है आप लोग। और ये अगर हमने थोड़ा सा बड़ा भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर इसमें आप जो प्रिंसेस कार्ड है वो उसमें करें
आप जो चोली कार्ड है वो उसे कर सकते हैं, कटोरी में कर सकते, कोई भी सामने आप कर सकते हो आप लोग, मगर डिज़ाइन है वो आपको अलग तरीके से, ये इस टाइप का पार्ट 3 पीसेस चाहिए हमें, 3 पीसेस इस टाइप का पार्ट चाहिए, ठीक है। और एक बात, अब नीचे देख ही रहे फ्रेंड जो डिज़ाइन का, अब वो जगह बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो उसे आप हम कैसे तैयार करें। देखिए मैं इसका जो डिज़ाइन का अलग सा कोई बेसिकली कोई पैटर्न नहीं होता डिज़ाइन का, जब हम करते हैं ये हम मोनोटोनस करते हैं हम लोग, तो अपने अपने हिसाब से ये पैटर्न हम बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हम इसे ऐसे करें, थोड़ा सा ऐसे ऐसे शेप दे देंगे हम, ठीक है। ये हमारा बेसिक है, तो चलिए ये ऐसे छोड़ देंगे हम इसे, और उसके बाद इसे हम बढ़ाएंगे, इसे बढ़ाएंगे हम इसे, ठीक है। और उसके बाद हम इधर भी बड़ा करेंगे, इधर भी बड़ा करेंगे, चलिए इसे इतना दूर तो हम कर ही सकते हैं, ऊपर नीचे लेकर, नीचे इतना दूर आया, ऊपर हम चलिए थोड़ा सा तो फ्रेंड ये देखिए, जैसे कि इस जगह का पार्ट जो है, तो उस पार्ट के हम जैसे डिज़ाइन अब देख रहे हैं, तो इसी हिसाब से हम उस पार्ट को कटिंग करेंगे, ठीक है। एक पार्ट ठीक है, इसी तरह ये पार्ट है, यानी कि ये हमें नहीं चाहिए, और ये ठीक ठाक है, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो इसी तरह इस पार्ट को हम अलग से डिजाइन करेंगे, वो डिजाइन इस कपड़े से हम करेंगे, जैसे कि इसका मिडिल में हम ये कलर देंगे, और लास्ट में ये देंगे, और इसका दो पट्टी का जो मिडिल है वो रेड कलर हम देंगे। तो इसी तरह हमें इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए, तो चलिए मैं फोल्ड करके इसे कटिंग कर दूँ, तो हमें मिल जाएगा ये, और ये चाहे तो हम फोल्ड में, ये हमें एक पीस चाहिए और ये एक पीस चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हमें इधर एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए सिलाई के लिए, वो हम लेंगे इसको, और उसके बाद ये एक पार्ट हो गया हमारा, दूसरी पार्ट ये है, ये पार्ट है, इसे हम भी चाहिए इस जगह को, और ये मिडिल का पार्ट है, हमें इस पार्ट का चारों तरफ कपड़ा चाहिए,